झारखंड में पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की थी, ये वो तमाम शिक्षक है जिनको बहाल किया गया था। अब इनके नौकरी पर खतरा आ गया है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जो 13 जिले में 100% वहाँ के स्थानीय लोगों को सरकार ने बहाल किया, वो एक तरह से आरक्षण का उल्लंघन है। 100% आरक्षण किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। एक लड़की ही हाई कोर्ट गई थी इस बात को लेकर कि उनका आवेदन इसलिए नहीं लिया गया कि वो उस जिले से नहीं है, जो गलत है। कोर्ट ने भी उसको सही माना और इनको नौकरी से निकालने के लिए फैसला सुना दिया है। अब इस कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को नाकाम या नाकाफी या जो जो शब्द बोल लीजिए उस शब्द से उनको अलंकृत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रही है कि पूर्व की सरकार जानबूझ के झारखंड के लोगों को दो हिस्से में बांट दिया था और कई गलत निर्णय और उनकी नाकामी के चलते ये फैसला आया। बीजेपी कह रही है कि सरकार, वर्तमान सरकार अपने फैसले या अपना पक्ष को बहुत सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखी, इस वजह से ये फैसला आया। बीजेपी का ये भी दावा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां 100% वहां के लोगों को लिया जाता है, वहां तो सब कुछ ठीक चल रहा है, झारखंड में ऐसा काहे हो गया। एक दूसरे को कमजोर बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब बेरोजगार हैं। आप कब बहाल हुई थी? सर मैं 2019 जुलाई 22 को मैंने ज्वाइन किया था स्कूल। तो उससे पहले कहीं जॉब करते थे? नहीं, मैं बीएड करने के बाद प्रिपरेशन कर रही थी। 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था और ज्वाइन कराते कराते हमें 2019 कराए हैं बस। आगे क्या करेंगे? आगे की तो सर हमें यही है कि सरकार हमारे साथ दे। अभी एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ के ही लोगों के साथ हुआ है, बाकी 11 जिले जो हैं उन जिलों में 90% लोग दूसरे स्टेट के लोग हैं। और आपने दूसरे स्टेट के लोगों की नौकरी बचा दी और यहाँ के जो भी जनरल हैं, SC है, ST है, BC जो भी हैं उनकी नौकरी गई है। तो यहाँ पर सरकार को ये करना चाहिए कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बदौलत की अपेक्षा वो यहाँ के जो अपने लोग हैं उनकी चिंता करे और उनके लिए रास्ता निकाले कि इनकी नौकरी बनी रहे, इनकी नौकरी जाए नहीं और किसी के पेट पे लात ना। क्योंकि मैं पिछले 21 साल से मैं नौकरी कर रही थी प्राइवेट स्कूल में, मैं उसको छोड़ के आई हुई हूँ। तो वो तो हमने अपना परमानेंट जॉब छोड़ के हमने यहाँ आया, तो वो तो गया हमारे हाथ से। प्लस ये भी इस स्थिति में हम तो पूरी तरह से डालमा में हैं। आज तो हम रोड पे उतर आए टीचर्स हम लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पे उचित कदम उठाए एक दूसरे पे दोषारोपण की जगह पर। आप लोग जब कोर्ट का बहस चल रहा था तो दोनों बहस में तो शामिल नहीं होंगे आप लोग, लेकिन फैसला को क्या पढ़ा आप लोग? वाकई में आपको भी लगता है कि झारखंड सरकार अपना तर्क बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाई कोर्ट? हाँ, ये तो है, यहाँ पे कमी है, 100% कमी है कि सरकार ने अपना तर्क सही तरीके से नहीं रखा। अगर आज सही तरीके से रखी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसके 2-3 ऑप्शन थे कि नियुक्तियां बची रहती, एक दूसरा ऑप्शन था कि आप का जो नियोजन नीति था उसको आप बदल देते, लेकिन ऑलरेडी जो रिक्तियां हो चुकी हैं उसको आप बचा देते, फ्यूचर में जो भी होता उसके लिए आप अपनी नीति को बदलिए, ये एक ऑप्शन था। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं लैकिंग हुई है तभी जाके आज हम यहाँ रास्ते पे खड़े हैं। अब आगे क्या? ए फॉर एजिटेशन, बी फॉर बैकअप, सी फॉर कैमरा, ऐसे ही सब अब चल रहा है। ए फॉर एप्पल बंद हो गया आप लोगों का? नहीं नहीं, हम लोग आज कांग्रेस भवन में गए थे, वहाँ हम लोग को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से समय मिला और उनसे आज वार्ता हुई, साथ में बादल पत्रलेख जी भी थे। रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री ने साफ लहजों में कह दिया है कि हम लोग यहाँ के मूलवासी का नौकरी को बचाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 13 जिला हमारा अपना जिला है, उनका किसी का भी नौकरी नहीं जाएगा। और मुद्दा हुआ कि सैलरी भी कहीं ना रोक दे सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, तो उस पर भी हम लोग का बात हुआ। तो उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग अभी विचार विमर्श कर लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सरकार
चूँकि झारखंड मूलवासी की ये भी बनी है और यहाँ के झारखंड के लोगों का ही सरकार है, और जिस जल जंगल जमीन की बात करके झारखंड और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके तहत हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, एससी एसटी हैं, तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोग का मांग को पुनर्याचिका दायर करें हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जाए, और सरकार का सहयोग हम लोग को मिल रहा है और मिलता रहेगा, यही हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। और उन लोगों के बातों से अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बातों से यही लगा कि वे हम लोगों के साथ हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग को भी सेपरेट तौर पे जाना चाहिए कोर्ट अदालत, या आप लोग सिर्फ सरकार के भरोसे रहेंगे, सरकार कोर्ट में चली जाती है तो उनका जो फैसला होगा वही? नहीं, सरकार तो कोर्ट जाएंगी ही, लेकिन अब चूंकि गलती तो हो गई है, अब कहाँ से गलती हो गई उस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम लोग अपने बचाव के लिए अपने हम लोग वकील रखेंगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे, क्योंकि 18,000 टोटल शिक्षकों की बात है जिसमें 8,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है, तो मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये देखेंगी कि गलती तो अभ्यर्थी की नहीं थी, गलती तो हम लोग कहीं नहीं थे, इसमें करप्शन का चार्जेज भी नहीं लगा है कि यहाँ पर घूस दे के कोई शिक्षक बहाल हुए हैं, इसका कहीं पर भी एक रत्ती भर भी आरोप नहीं है। गलती कहाँ पे हुई है, सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए वो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं तो वो लोग करें, लेकिन अभ्यर्थियों के जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनको यथावत रहने दिया जाए, और बाकी जब जिस प्रकार से स्थानीय नीति बने उसके हिसाब से वो लोग नियुक्ति करें, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम लोग का नियुक्ति को अगर रद्द कर दिया गया जैसे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत लोग है इसमें जो नौकरी पुराना छोड़ के आया, 60%। आप पहले कहाँ नौकरी करते? मैं पहले वन विभाग में नौकरी करता था। अच्छा। और 1.5 साल वहाँ भी नौकरी कर चुका था। अच्छा। लेकिन जब इसका ग्रेड पे और मैं इसका भी वैकेंसी निकाल लिया, तो मैं जाहिर तौर पर है कि कोई भी व्यक्ति जो है सो ऊंचे जगह पे जाना चाहेगा, और मैं फिर छोड़ के आ गया, और अभी स्थिति ये है। उससे पहले मैं 2011 का भी जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें भी हम लोग क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने से 2 दिन पहले ही एंड वक्त पर हाई कोर्ट हमारा जो है सो बहाली रद्द कर दी थी। इस तरह हम तीसरे बार ये भुक्तभोगी हो गए हैं, और अब तो हमारा उम्र भी खत्म होने वाला है, अब हम क्या करेंगे? आप लोग सोचे हैं कि आगे क्या करना है? बेरोजगारी कैसे झेलिएगा आप लोग, ऑलरेडी इतना देश में बेरोजगार है? सर अभी तो हम लोग, इससे पहले मेरी अपनी बात करें तो मैं एक स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय में प्रभारी के पद पर था, परंतु अप्रूवल मिला नहीं था तब तक इधर हुआ, और वो भी छोड़ के चला आया। तो अब तो इतना हतोत्साहित है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे करे क्या, सोचे क्या, समझे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब सर इतनी मुश्किल होती, 2016 की वैकेंसी लगी हुई थी जिससे कि हम लोग दिन रात एक करके जेपीएससी जैसा कठिन एग्जाम दिन रात पढ़े छात्र की तरह, और जब से नौकरी में आए सर तब से हम लोग लगे रहे, समर्पित रहे सरकार के लिए, कोरोना जैसी महामारी की ड्यूटी की, लगे रहे दिन रात, अभी भी कर रहे हैं, इस ऑर्डर आने के बावजूद हम लोग कर रहे हैं जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी हुई है। पर आप कहेंगे कि क्या आप सोच पा रहे हैं, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस बेरोजगारी का कोई विकल्प हो सकता है। हम बस सरकार से एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि वह इस पर कोई उचित निर्णय लें, और हमें उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। जेपीएससी में जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने यहाँ के लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, उन लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया कि नहीं ये लोग करेंगे, लेकिन उस समय तर्क यही था कि इन लोगों का सर्विस लेंथ बड़ा हो गया। आप लोग का तो सर्विस अभी बहुत कम दिन हुआ, तो ये भी डर आप लोग को सता रहा है क्या कि क्योंकि अभी तो आप लोग बहुत जल्दी ज्वाइनिंग किए? कानूनी तौर पर हम भी ये जानते हैं, और कुछ हम लोग भी ये सुना है कि 90 दिन सर्विस पूरा हो जाने के बाद उसको राइट हो जाता है कि वो अपना सर्विस को बचाने के लिए जा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं रोक सकती है। इसीलिए हम लोग सरकार का रुख देख रहे हैं, और सड़क से लेके कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, चाहे जो हो, हम लोग को जो करना पड़े, जितना भी आंदोलन करना पड़े या कोर्ट जाना पड़े, सभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग, अधिकतर लोग, ये उम्र इनका एक्सपायर कर चुका है, अब किसी भी बहाली के लायक हम लोग नहीं है। अच्छा, 13 जिलों के लोग आप लोग आ गए रांची। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई ऐसा भी है काजी जिसका शादी तय हुआ था अभी रुक गया ये फैसला सुन के? हाँ सर, बहुत है, बेटी नहीं देना खोद रहा अभी।
बेटी देना खोज नहीं रहा है, जैसे कि अभी मेरे पास ही है, हम घर में भले सेकंड लड़की है, 5 बहन है हम लोग, हमारा मेरा जिम्मा है घर बनाने का। हम मेरा एक सपना था कि हम घर बना लेंगे, ठीक है। हाँ, बचपन से आज काम करते आए, मेहनत करके पढ़े, मेहनत करके नौकरी लिए हैं, आज मास्टर डबल मास्टर भी हैं हम, और एक एसटी कम्युनिटी से और एक छोटे परिवार से आए हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर नौकरी चली जाती है तो ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये है नौकरी मेरे पास था तो आप क्यों छीन रहे हैं? आप बचा सकते थे, क्योंकि हमारी गलती क्या है? हमने पढ़ा, ये गलती है क्या? हमें लड़के आना था या फिर हमें पैसा दे के आना था, ये गलती थी क्या? हम मेहनत किए, हम पढ़े, ये हमारी गलती हो गई। आज हम नहीं लड़े, हम कोर्ट में जाके नहीं लड़े या फिर हम बहुत पैसा नहीं लगा पाए, ये हमारी गलती हुई क्या? तो हम बस ये चाह रहे कि हमारा जो अधिकार बनता है वो हमें मिले, सरकार से उम्मीद करते हैं। अभी आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि आप सोचेंगे ही ना। हम पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा जा रहे हैं और ना ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारे लिए ना जात है और ना ही पार्टी पॉलिटिक्स है, हम एक जात होते हैं, एक शिक्षक जो कि शिक्षा दे रहे हैं। आज हम अपने आप को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही सांत्वना दे रहे हैं? नहीं, कुछ ठीक ही होगा। आज संतावना दे के भी यहीं रुके हुए हैं और ये देख ही रहे होंगे, सुबह से खाना खाए नहीं खाए, कौन क्या खाया, पानी पी रहा है और कुछ खा नहीं रहा है, उसको देख रहे हैं, सब एक दूसरे को हंसा रहे, बोल रहे, मतलब बोलिए ऐसे ही ढाढ़स बंधा रहे किसी तरह कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो आपका अपना जो घर का बनाने का सपना है, उसको क्या लग रहा है कि मतलब रुक जाएगा क्या? रुक तो जाएगा ही ना, एक बार पैसा, पूरा पैसा, सैलरी भी नहीं आया है और अभी तो ये न्यूज़ भी आ गया है कि नहीं अभी आगे का पैसा नहीं देना है, ठीक है। अब तो और हाथ बंधा गया, हम लोग दूसरे जगह जाके काम भी नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी इसके अंडर में अभी ये हमें सेवानियुक्त भी नहीं किए, हटाए भी नहीं है, और हम उनके साथ रह के उनके साथ काम कर रहे हैं, पैसा भी नहीं देना है और नौकरी से भी हटाना है इन लोगों को। तो क्या 1.5 साल से जो कमाया है आदमी वो उसका भी पैसा नहीं जाएगा और आगे काम नहीं करेगा? आज हम अभ्यर्थी हम बेकार हो गए कि हम उस लायक नहीं है? तो सर, माननीय CM महोदय से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा ज़मीनी स्तर से देखिए। आप जानते हैं और आप एकदम समझ रहे होंगे, अगर आप एक एक के घर जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे। मेरा दर्द अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, सबका दर्द बहुत बड़ा है सर, सबके जगह में सब सफ़र कर रहे हैं, बहुत दिक्कत में है सब, और कहीं ना कहीं से उपाय तो निकालना ही होगा। हाईकोर्ट तो जाएंगे ही, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब ये तो अब लॉ पढ़ना ही होगा हम लोग को और करना ही होगा। तो आप लोग इतना जो आंदोलन पढ़ाई के समय भी किए, कई फॉर्म भरे, धक्का खा के ट्रेन में गए, एग्ज़ाम देने हर जगह गए, जब ये नौकरी मिला और जब कोर्ट का आदेश आया, तो उसके बाद आप लोग अध्ययन किए कि किसी दूसरे स्टेट में भी ऐसा हुआ है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई चल रहा है, वहाँ पे मतलब सारे कुछ बहाल है, ऐसा? हाँ सर, अभी अप्रैल में, अभी जस्ट अप्रैल में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जहां ऐसी ही आरक्षण की नीति थी और कोर्ट ने माना कि 100% आरक्षण कहीं ना कहीं गलत है, परंतु कोर्ट ने यह भी कहा कि जितनी जीवित नियुक्तियां हैं वह जारी रहेंगी। तो सर, जीवित नियुक्तियां अर्थात कि इस तरह के नियमावली से जो कि कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण है, उसके कारण अगर अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गया और वो नौकरी करे तो करेगा, और आंध्र प्रदेश में अभी भी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और जारी है, अभी यूपी में भी इस तरह तर्क मतलब उस समय सरकार के तरफ से कोर्ट में नहीं दिया गया। सर, हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है कि 100% आरक्षण, 100% कोई मतलब नहीं है सर, सिर्फ एक जिला को रिजर्व किया गया है, बाकी यहाँ जो आरक्षण का जो नियम है 50% जनरल, ST, SC, OBC पूरा सर आरक्षण का पूरा पालन किया गया है, और इसको लेके बोला जा रहा है कि नहीं 100% आरक्षण के वजह से इसको कैंसिल किया गया है। तो सर, इस तरह से तो किसी स्टेट को भी रिजर्व किया जाता है कि 3rd और 4th ग्रेड का जो जॉब है उसको वहाँ लोकल के लिए रखा जाए, तब तो सर वो भी तो असंवैधानिक हो गया इस मामले में। सर, मेरा ये कहना है कि इस तरह जो सिस्टम झारखंड में चल रहा है ना, कि कोई वैकेंसी आती है, लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, उसके फिर उसको रद्द किया जाता है, ये सिस्टम बहुत खराब है। इससे अभ्यर्थी पढ़ने समय भी होपलेस होता है, नौकरी के बाद भी होपलेस होता है। एक नौकरी के लिए उसकी पूरी फैमिली कितने परिश्रम करती है, मेहनत करती है, तब जाके वो बंदा सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये सुनता है कि उसकी नौकरी जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग जो 13 जिला का रिजेक्शन हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो मूलतः गरीबी से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हैं आर्थिक दृष्टि से, दूसरी नौकरी से और बहुत नौकरी छोड़ के आ रहे हैं।
एक चीज कहना है कि मान लीजिए वैकेंसी निकला है ना, हम लोग नौकरी छोड़ के आए तो सरकार बोला, सरकार वैकेंसी निकाला, गलती सरकार का नहीं है, हाईकोर्ट भी जजमेंट दे देता है, हम लोग का जो राज्यपाल भी बोल देते हैं कि इसमें इस पारित होगा तो इस आधार से आपको आरक्षण मिल जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट का, उनका भी गलती नहीं है। पहले गलती ढूंढा जाए कि गलती किसका है, गलती बच्चों का है क्या, हम ही लोगों का गलती है, और जिस जो जो गलती किया है चाहे जो भी हो उसको सजा दीजिए, वो प्रावधान कीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गलत काम किया जा रहा है, इसको सुधारना चाहिए। अभी मोदी जी भी सुधारें, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इसको संज्ञान में लें कि इसका गलती किसका है, गलती को ढूंढना है पहले। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब सरकार अपना तर्क अच्छा से नहीं रख पाई, वहाँ पे गलती है? अच्छा नहीं, तर्क रखना नहीं है, अभी तक गलती डिफाइन कहाँ किया गया है? माननीय उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का जो हवाला देते हुए जो ये डिसीजन दी है, तो मौलिक अधिकार सिर्फ उनका है और हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। आज 13 जिला का जो अगर वैकेंसी रद्द होती है, 13 जिला की वैकेंसी यदि रद्द होती है और उसकी नियुक्ति फिर से होती है, फिर से प्रक्रिया में जाती है, और हम वो 13 जिला नहीं भर के हम 11 जिला से भरना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? नंबर टू चीज कि मौलिक अधिकार की बात, हमारा मौलिक अधिकार कहाँ है, हमारा मौलिक अधिकार कहाँ है? हमारे बच्चे रोड में आ गए हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ जो है वो आंखों में अब आंसू आ रही, बोल नहीं पा रहा हूँ कि जो रोड में हम लोग आ गए 14 महीने से काम कर रहे हैं, कोरोना काल में इस परिस्थिति में जो हम लोग काम कर रहे हैं, 90% अभ्यर्थी ऐसे है जो गरीब परिवार से है, जो कर्ज लेके 14 महीने से जीवन यापन कर रहे हैं इस भरोसे में कि अब गवर्नमेंट हमें सैलरी देगी और हम वो कर्ज वापस करेंगे, किस मुंह से हम कर्ज मांगने जाए और कौन हमें कर्ज देगा? क्या हमें सरकार कर्ज देगी? नहीं। आज हमारा पेमेंट का क्या होगा? आज हम नौकरी से निकल जाते तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारी पत्नी क्या खाएगी? हमारा भविष्य क्या होगा? सर एक बात बताइए, तो अभी तक आप लोग को कितनी बार पेमेंट? देखिए पेमेंट की जो बात है, मैं रांची का डाटा बता दूं कि 461 लोग हम लोग कुछ अभ्यर्थी है, जिसमें लगभग 113 लोग का इसलिए रोका गया है अब तक पेमेंट, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो कैंडिडेट की गलती है? नहीं। कुछ लोगों को वेतन जून माह तक का दिया गया, जून माह में माननीय डीओ साहब ने एक आदेश निर्गत कर दिया कि आपका जाति और आवासीय वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपका पेमेंट स्थगित किया जाता है। जो पेमेंट स्थगित किया जाता है, क्या सरकार ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो सीओ कार्यालय में और अंचल कार्यालय में और ब्लॉक में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से काम होना चाहिए था, और अगर वहाँ से टाइम से 6 महीने से फाइल दबा हुआ है, वो फाइल टाइम से अगर आ जाता तो हम लोग का पेमेंट हो जाता। तो बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है, बात है आज हमारा भविष्य, हमारा भविष्य जो है, हमारा भविष्य यहाँ पे खतरे में है। तो एक समझ में आ रहा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कहता है कि लोकतंत्र में आंदोलन बहुत बड़ा चीज होता है, आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही सलटिएगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं जरूरत पड़ेगा तो एजिटेशन भी करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सहानुभूति चाहते हैं सरकार से। इसमें क्या है कि जो बहाली कोई भी गवर्नमेंट ली या फिर कोई भी गवर्नमेंट के समय निर्णय आया, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है सर। हमने 5 साल जो अपने लिए दिया इस वैकेंसी पे, किसी का एज खत्म हो गया है सर, कोई कार लोन लेके बैठा हुआ है, कोई होम लोन लेके बैठा हुआ है, जो भी लेके बैठा हुआ है, परिवार पूरा पटरी पे जिसका आ रहा था, परिवार तो बहुत ही एक छोटा अंग है, समाज पटरी पे आ रहा था। हम बोलेंगे 18,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से कि 13 अनुसूचित जिला का जो नियुक्ति रद्द किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, गाय बैल चढ़ा रहे थे, वो बच्चे भी अब इंटरेस्ट के साथ पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि नए शिक्षक का नियुक्ति हुआ है, यंग शिक्षक है सभी, और उनके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसको भी डूबते हुए देख रहे हैं। तो हमारा सहानुभूति को भी देखा जाए, साथ में बच्चों का भविष्य को भी देखा जाए सर। और हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई बहाली, मतलब गैरकानून बहाली के द्वारा नहीं आए हैं सर, यहाँ पे हम लोग JSSC के द्वारा कंडक्ट एग्जाम के थ्रू हम लोग पास किए हैं, जो मेरिट लिस्ट पूरे राज्य में बना उसी के आधार पर हम लोग पारित करना चाहते हैं कि सर हम लोग सर, जैसा आपने सवाल पूछा था कि क्या आप आंदोलन का रुख करेंगे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर स्पष्ट, कि हम जो शिक्षित समाज के लोग हैं, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हम लोग को न्याय मिलेगा, और अगर
सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलती है तो हम अनशन करेंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। एक चीज और बात है, अगर आप सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जितने शिक्षक हम लोग बहाल हुए हैं अधिकतर लोग कोई ना कोई जॉब ऑलरेडी पहले से कर रहे थे। मैं खुद एक परमानेंट टीचर डीएवी स्कूल में था, डीएवी तेनुघाट में मैं पढ़ा रहा था, एक परमानेंट शिक्षक सिर्फ सरकारी नौकरी अपने घर जाने के लालच में मैंने अपना ज्वाइन किया, अपना कीमती समय भी दिया, आज अचानक सरकार मुझे कहेगी कि आप निकल जाइए, तो मैं तो ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा, वापस तो मैं प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा सकता, एज भी मेरी अब खत्म हो गई कि मैं किसी दूसरे सरकारी नौकरी में प्रयास करूं। क्या इस सरकार में जो भी हम लोग को कहते हैं कि आप इस सरकार को दोष दीजिए उसका मारा किसने, ये देखना नहीं है सर बचाएगा कौन, ये बताइए हमें, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वर्तमान सरकार की ओर ही हमारा नजर है, सरकार हमें क्या कुछ तो हमें आश्वासन दे, कुछ हम लोगों को ये बताए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमारे पास कहते हैं कि टीचर गाइड करता है बच्चों को, आज ऐसी स्थिति होगी कि हमें कौन गाइड करेगा पता नहीं चल रहा। जिस दिन से माननीय उच्च न्यायालय का यह डिसीजन आया है तो उस वक्त हम लोगों ने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो स्टेटमेंट अब तक सुनते आ रहे हैं और जो सरकार के मंत्रियों का जो हम लोग रवैया देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पूर्णतः गैर राजनीतिक लोग हैं, हम लोग को किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे, हमने मेहनत करके अच्छे नंबर से हम लोगों ने मेरिट में जगह बनाया, पिछली सरकार ने जो भी उसमें कानून बनाए थे जो भी नियमावली बनाई थी उसके हिसाब से हम लोग चुनकर आए हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये रघुवरदास सरकार की करनी थी उसी का फल भुगत रहे हैं, हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी देखिए हम लोग स्थानीय झारखंडी लोग हैं और हम लोगों ने नौकरी पाई है आपसे, हम चलिए आपकी ये भी मान लेते हैं कि नियमावली गलत है, ये पिछले सरकार की गलती का नतीजा है, मगर संविधान में ये सिस्टम है कि अगर उच्च न्यायालय में कोई फैसला आता है तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को एक आश्वासन दे कि न्यायालय में हम लोगों को वो सपोर्ट करेंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का हम लोगों को आश्वासन दे और अगर ये संभव है तो हाईकोर्ट में ही उसको रिव्यू करे। हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि ये कौन सी सरकार ने कौन सी गलती की या अभी की सरकार क्या कर रही है, हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, हम लोग बेरोजगार थे, हम लोगों ने परीक्षा पास की, हमारा एक सोशल स्टेटस बना, हम लोग को लगा कि हाँ हमारी जो जिंदगी भर की मेहनत है वो कामयाब हुई है। अब जब ये फैसला हाईकोर्ट का आया है तो संविधान में एक चैनल सिस्टम है कि इसको रिव्यू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में हमारी नौकरी को बचाने के लिए, मतलब सरकार अब कोर्ट से फिर से अपील करे, रिव्यू करे, जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट। आपने जो सवाल पूछा कि क्या आप लोग एजिटेशन करेंगे, देखिए हम लोग किसी पॉलिटिकल स्टंट के पीछे पड़ना नहीं चाहते, हमारा सीधा सीधा कहना यही है कि संविधान में जो प्रावधान है अपील का तो सरकार अपील में जाए, ऐसा नहीं हो कि हम लोग दौड़ते रह जाए, देखिए कितने लोग परेशान हैं और अचानक से हमारा टर्मिनेशन लेटर निकल जाए। तो हम सरकार से बस यही अपील करते हैं कि देखिए ना हम लोग यूपी से आए हैं, ना बिहार से आए हैं, ना बंगाल से आए हैं, यहाँ पर जितने भी लगभग 3,500-4,000 जो भी टीचरों की नौकरी रिजेक्ट हुई है वो प्योर झारखंडी लोगों की हुई है, और जो यहाँ पे जो सेव किया गया है 11 जिला में, आंदोलन क्या चल रहा था कि बाहरी को भगाओ, 11 जिला में ये कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 11 जिला में बहुत सारे बाहरी आ गए हैं, मगर जो जजमेंट आया है उसमें बाहर वालों को तो सेव किया गया है, अंदर वालों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को या तो आप हाईकोर्ट में रिव्यू करिए या फिर हमारी नौकरी को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा जाइए और हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर अभी फिलहाल मत निकालिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला तय नहीं हो जाता है, और हम लोग किसी भी तरह के पॉलिटिकल मतलब स्टंट में पड़ना नहीं चाहेंगे। देखिए भले ये मुद्दा ये लोग कह रहे हैं कि हमको कोई सियासत से लेना नहीं हो, लेकिन जो फैसला आया हाईकोर्ट के बाद उसके बाद सियासत बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में जो अभी पार्टी है बीजेपी, वो यही कह रही है कि जब हेमंत सरकार ये कहती है कि हम स्थानीय की सरकार हैं और 85 को डिफेंड नहीं कर पाई तो 1932 को कैसे डिफेंड करेगी। दूसरी बात, जो सरकार का एक धारणा है वर्तमान सरकार का कि स्थानीय लोगों को प्रिविलेज मिलेगा, उस सरकार ने क्या वाकई में कुछ गलती की वजह से ऐसा हुआ, ये बीजेपी अब ढिंढोरा पीट रही है हर तरफ कि सरकार की गलती के चलते ये फैसला आया, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई सरकार। सच्चाई क्या है हमको नहीं मालूम, हमको बस यही मालूम है कि इतना अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं
जो नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए जो भी जरूरत कदम हो उठाना चाहिए। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in